नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की खबरें। खेल और गांव गांव खेल की प्रतिभा को पहुंचाते हुए मोदी जी और अनुराग ठाकुर शायद यह सोच रहे हैं कि खेल में सब कुछ ठीक ठाक होगा और भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा खेल के द्वारा। लेकिन इस खेल से कुछ जुड़े हुए ऐसे महारथी हैं जिन्होंने इस खेल को उस समय से बढ़ाने की कोशिश की जब लोग खेलने की सोच भी नहीं, और कुछ ऐसे फेडरेशन जिन्होंने इस खेल के ऊपर अपने व्यवसाय को इतना बड़ा कर लिया कि नैतिक मूल्यों से समझौता भी शायद कर रहे हैं। ऐसा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि ऐसा देखने को मिलता है। RSFI के बारे में जब कभी भी बात होती है तो हमेशा विवाद उसके साथ आगे बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि यह खेल ना जाने कैसे अवैध सिस्टम या अवैध तंत्र पर बल बढ़ रहा है यह वही जानते हैं। बहरहाल RSFI के एक शिकार इसलिए बोलेंगे कि RSFI से जुड़े और फिर RSFI ने इनको अपने नफे मुनाफे के हिसाब से कैसे दूर किया यही जानते हैं। तो सबसे पहले तो लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है आपका, आपका परिचय अगर बताएंगे। राजस्थान से, और मैं काफी समय से आज उदयपुर मैंने स्केटिंग को स्टार्ट करा था और जयपुर में नदीम सर थे जिन्होंने स्केटिंग को आगे बढ़ाया था, तो हम दोनों ने मिलकर स्केटिंग को उस लेवल तक, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मैं भी नहीं खेल पा रहा था क्योंकि स्केटिंग का नहीं था, तो फिर उसके बाद में CBSE के स्कूल जाते थे हम बच्चों को लेके, तो CBSE कॉम्पिटिशन हो रहे थे तो वहाँ पर गुरुरत्न सर मिले थे, गुरुरत्न सर से सपोर्ट लिया, गुरुरत्न सर ने बहुत अच्छा गाइड करा था और उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे करते रहे, और उसके बाद में आगे से फिर 2008 के अंदर राजस्थान के अंदर वापस लेके आए, और लाने के बाद में उस समय पीके जी ने गुरुरत्न सर को और PKG को बोला था कि आप वहाँ जाओ और वहाँ पे ट्रायल दो, तो 2008 से ट्रायल बेस पे हमारे राजस्थान में शुरुआत हुई, तो वो मेरे को वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई कि राजस्थान के अंदर आप कोऑर्डिनेट कराएंगे और आपको कोऑर्डिनेट करना है, और फिर उसके बाद में उदयपुर के लिए गुरुरत्न सर और PKG भी आएंगे, वो लोग आए अच्छे से और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारा होता है कोऑर्डिनेटर का मतलब आप RSFI के ऑफिस भी रहते राजस्थान के अंदर। फिर उसके बाद में मैं यहाँ से बच्चों को तैयार करे और फिर उसके बाद में बच्चे नेशनल खेलने लगे उस समय तक अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद में सवाल आपने बोला कुछ समय तक अच्छा चल रहा, कुछ समय तक इसलिए कि मतलब इसके लिए कॉम्पिटिशन तक तो जा रहे थे, फिर उसके बाद कंडीशन राजस्थान में नहीं बदलने के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, तो राजस्थान में कंडीशन नहीं बदली थी तो हमने बात भी करी थी। फिर उसके बाद में नगर शर्मा जो कि अभी यहाँ पे सेक्रेटरी हैं भारत की, तो उस समय मुझे अच्छे से पता है कि ये विशाखापट्टनम में लगभग आज से 10-12 साल पुरानी बात है, उस समय नरेश शर्मा जी जो है वो गुरुरत्न सर ने मेरे को बोला था कि जी सर ये नरेश शर्मा जी हैं ये आपके साथ में रहेंगे, किसी बच्चों को चोट लग जाए कुछ हो जाए तो ये दवाई वगैरह लगाएंगे, तो ऐसे करके वो मेरे साथ में रहे थे बच्चे, आज के नरेश शर्मा उस समय बच्चों को दवाई लगाया करते थे, मेरे साथ में रखा था, गुरुरत्न सर ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि मंजी स्किल हॉकी में किसी बच्चे का लग जाएंगे तो दवाई वगैरह लगाएंगे, तो उस समय हमारी एक अच्छी दोस्ती हुई थी कि हम सब साथ में थे, और फिर उसके बाद में हुआ ये कि थोड़े दिन बाद में पता चलता है कि वो यहाँ पे गया के हालांकि उस समय नहीं बने थे और उन्होंने राजस्थान के अंदर एसोसिएशन तैयार किया, तो वहाँ पे काम मेन नदीम सर कर रहे थे और नदीम सर ICFA में लेके आए थे, तो ICFA में भी खेलने लगे, तो वहाँ पे वो नहीं आए उससे पहले उनकी बात PKG जी मानना शुरू कर दिया, तो जो PKG मतलब वो कहते थे वो PKG वो करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर एसोसिएशन जो है वो किसी बोर्ड को दे दी, तो हम दोनों को नहीं देखे किसी को दी, तो जिनको दी उन लोगों ने भी देखा कि काम तो ये करते हैं, तो उन्होंने मेरे को नदीम सर को आगे रखा, तो हम दोनों को आगे रखा, वो चीज़ इनको समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में मैंने उदयपुर के अंदर ही पेरेंट जो एक बच्ची है जिसको मैंने स्केटिंग सिखाई थी वो CBSE बेंचवन के अंदर मेडल लगाई थी, वो अच्छे पैसे में अच्छे हैं, अब वो मुझे नहीं पता कि किस वजह से थी, लेकिन उन्होंने
वो जो पुरानी एसोसिएशन थी उस एसोसिएशन को जब नए सरना सेक्रेटरी बन गए उन्होंने उसको हटा दिया और नई एसोसिएशन दे दी उन लोगों को जो यहाँ पे स्केटिंग के तो कुछ नहीं थे। अब एक पेरेंट्स अगर उस पोस्ट पे आ जाता है तो उसके बच्चे नहीं सोचते। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब फेडरेशन ही उठा के राजस्थान के पिता को दे दी जिसकी बच्ची खेल रही थी। जिसकी बच्ची खेल रही ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मैं यहाँ पे स्केटिंग बच्चों की इच्छा थी कि स्केटिंग करते हुए हम लंबा नहीं करें तो हम लोग बच्चे का कहना था कि रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है इसकी यात्रा करते हैं तो जब उसे दिल्ली तक मैंने स्केटिंग आता था तो वो 750 किलोमीटर स्केटिंग करी थी। उस समय मेरे पास में सीधे ही पीछे से घूम के मेरे पास में फोन आया कि आप ये कर रहे गलत कर रहे ठीक है। मैंने कहा ठीक है बच्चों की खुशी है मैं कर रहा हूँ। और एक तरफ से हमारा हुआ ये कि वो इतना अच्छा हुआ ना कि नरेंद्र मोदी जी जनरल जी डी बच्चे जी हमें उन्होंने सेना भवन में उनका स्वागत कराया नरेंद्र मोदी जी हमें मिले। तो नरेंद्र मोदी जी जब मिले आज अभी अगर आप चाहें तो उसके बुक है उसके ऊपर देखते हैं तो उसमें वो मोदी जी वाला फोटो के साथ में बच्चे का फोटो आएगा लेकिन 3 बच्चों को मैं लेके गया था और मैं खुद भी हूँ तो मेरे को काटने के लिए उन्होंने सिर्फ 3 बच्ची का फोटो लगा रखा है ताकि मैं कर दूँ और उन दोनों बच्चों को भी काट लूँ। मोदी जी के रिकॉर्ड में तो आपकी फोटो होगी तो वो तो है वहाँ तो पूरी होगी वो है मेरे पास में भी है पूरी फोटो और जो वहाँ पे लगा रखी है वो छोटी लगा रखी है। तो इन लोगों की सोच ऐसी कि कोच को ऊपर नहीं आने देना मतलब कहीं भी किसी भी रूप में हो कोच को ऊपर नहीं आने देना। तो उस समय फिर मैंने इनसे थोड़ा सा किनारा कर दिया था कि ये लोग मतलब दूसरों को सपोर्ट कर रहे कुछ नहीं कर रहे। मैंने छोड़ के मैंने दूसरे कॉम्पिटिशन ओपन कॉम्पिटिशन होते तो मैं ओपन कॉम्पिटिशन खेलने लगा ओपन कॉम्पिटिशन खेलने लगा तो फिर वापस किसी से मार्फ कहलवाया करा कि छोड़ो। और नहीं उससे पहले की बात है उस समय इन लोगों ने मेरे और नदीम सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं तो इनके बच्चे अगर कहीं खेलेंगे तो हम इनको आर एस में नहीं खेलने देंगे हम ये कर देंगे हम सब तरफ बैन कर देंगे और हर तरीके से हम बैन का खेल खेलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करा बहुत ज़्यादा परेशान करने की वजह से कि हुआ था कि उस समय मेरे भी और फिर उसके बाद में मैं कुछ समय तक बाद में ठीक हुआ था और उसके कुछ समय बाद में नदीम सर को अटेक आया उनकी तो डेथ भी हुई। जिन्होंने इस खेल को इस लेवल पे लाने के लिए बहुत मेहनत करी और आज वो इस मेहनत कर रही और फिर उसके बाद में इन लोगों ने मेरे को वापस साथ में रखा बोले कि नहीं अपन मिल के काम करेंगे सब कुछ होगा। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि इसका मतलब ये था कि पुरानी एसोसिएशन ने उनके ऊपर केस कर रहा था तो उनको उनसे मिलवा के उसको ख़त्म करना था। जब मतलब हाँ पहले आपको बैन करना जब ये खुद केस में आ गए तो केस में आने के बाद में फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि वापस करके उन्होंने मेरे को अनिल सिंह जी से बात करवाई और अनिल सिंह जी से बात करके फिर उसके बाद में अनिल सिंह जी को कन्विंस करके और केस रखा गया ये है अभी मेरे को क्लियर नहीं है बट ये है कि हाँ वो उस समय उनसे मिलवा के और केस उठाने की बात करी थी और मेरे हिसाब से केस उठ गया इसीलिए फिर उसके बाद में इन्होंने मेरा फोन उठाने बंद कर दिया बाकी बात हो रही सब कुछ हो रहा था और फिर उसके बाद में बात करना बंद कर दिया सब कुछ बंद कर दिया। है खत्री जी वो वरिष्ठ है उम्र में बहुत बड़े हैं मैं उनका आदर करता हूँ और उनसे कहवाया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मम्मी सर एक बार अगर आपको अगर निकाला तो मैं खुद भी छोड़ दूंगा जबकि ये हुआ कि मेरे को वापस निकाल दिया कहीं मेरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में वो जो सेक्रेटरी बैठे हुआ है फिर उनको मैंने बोला था मैंने क्या हुआ आपने तो बोला था ना कि मैं छोड़ दूंगा तो उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। और फिर उसके बाद में जब इधर अभी मैं आइस स्केटिंग में आया और फिर उसके बाद में अपने बच्चे कॉम्पिटिशन कर तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे वहाँ पे जो वो वहाँ पे बोलते हैं सब पेरेंट्स को सबको
उसकी मेरे बताते हैं और बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे दूसरे में खेलेंगे तो गलत है और ये सारी एसोसिएशन है वो फर्जी एसोसिएशन है। हम फर्जी एसोसिएशन में अगर आप खेलते हो करते हो तो आपको आरएसएफ भी बैन कर देंगे, आप आरएसएफ भी खेलने नहीं देंगे, ऐसे करके बच्चों को कारण को गुमराह करते हैं। आपकी सुनिए मतलब आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सभी से कि एक स्केटिंग स्केटिंग के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं कोई भी स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट्स का फेडरेशन किसी को भी ये नहीं बोलता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते, एक चार प्रतिभा है तो चार खेलेगा। अब केवल आरएसएफ में एक ऐसा है कि अगर आप आरएसएफ के अलावा किसी और में खेले तो आप आरएसएफ नहीं खेल सकते, मतलब खिलाड़ियों को भी बैन करते हैं या सिर्फ कोचेज कोच को भी और खिलाड़ी को भी दोनों कोच को भी करेगा दोनों को करेंगे कोच को और बच्चे को दोनों करेंगे। अब अच्छा बैन जैसे बैन कर दिया बैन करने के बाद उनकी आगे की एक्टिविटी क्या होगी? आगे की ये कि आप वापस एक सॉरी फील करके एक लेटर लिखो, वो लेटर लिख के हमें दो फिर उसके बाद हम माफ़ कर दूँ और आप उसके बाद में आपको कहीं नहीं जाना मतलब आप बंद गए आप बंद गए आप केवल आरएसएफबी के इवेंट्स के वक्त और सीबीएसई और एसजेएफ के उसके अलावा नहीं करेंगे। तो बच्चा जब तक कॉम्पिटिशन से भी नहीं खेलेगा तो वो बच्चा खुलेगा कैसे? आज जाने जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी है तो महेंद्र सिंह धोनी क्या था वो गली में और टेनिस बोर्ड से क्रिकेट खेलता था जहाँ मौका मिलेगा तो वो वहाँ से खुला ना। तो एक स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट हो अगर स्पोर्ट्स बच्चा जितना ज़्यादा खेलेगा आज जैसे एग्जाम होते तो वो एग्जाम देने के एग्जाम देगा ही नहीं बच्चा तो फिर उसको क्या पता चलेगा? जैसे एग्जाम एग्जाम देने की बात आई तो जब नेशनल्स खेल होते हैं या कहीं बाहर विदेश में हो या देश में हो उस समय आरएसएफआई का रवैया क्या रहता है, कितना फेयर होता है अपने खिलाड़ियों को सिलेक्शन में? अब अगर ऐसे करके देखते हैं तो मुझे पता है कि मेरी बेटी साइनिंग वगैरह सब कुछ दिया था तो वहाँ पे अल्पाइन जो कॉम्पिटिशन हुआ था उस कॉम्पिटिशन के अंदर इन्होंने मेरे को बोला था कि डाउन हिल के अंदर और अल्पाइन के अंदर सेम स्केट काम आता है और आप स्पीड स्केट जो अलग होते हैं जितने भी बड़े होते हैं वो आप यूज नहीं कर सकते, क्लियर बोला था। और वहाँ जाके पता चलता है कि मेरे को बोला और मैंने तो स्केट चेंज करा लेकिन उनके पास दूसरे बच्चों के डाउन हिल के अंदर स्पीड स्केट है ऐसा लोग। अब मैंने वहाँ पूछा तो बोले यार ठीक है इसको गेम को प्रमोट कर रहे हैं अभी शुक्र ऑफ चलने लोग तो मैंने कहा तो आपने गलत करा ना तो मैं भी स्पीड स्केट लेके आता हूँ क्या क्या आपके बच्चे फिर उसके बाद में डाउन हिल में प्रॉब्लम ना था लेकिन अल्पाइन के अंदर उसका टाइमिंग और सब कुछ देखा था मैंने और हर चीज के हिसाब से वो पोजीशन पे थी लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि जो सेवंथ नंबर की बच्ची थी वो तो सेकंड पोजीशन पे है और उसको बेटी को फर्स्ट से थर्ड पे पहुंचा दिया और थर्ड पे पहुंचाने के बाद में भी ये था कि मेरे पास में जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो उस दिल्ली का एक बंदा है वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो वहाँ से ऑफिस है क्योंकि ऑफिस वालों ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था तो वहाँ से राजस्थान के पुरानी एसोसिएशन की उन्होंने मेरे को फोटो भेज दिया था तो मेरे पास वो फोटो में आज भी है उसका सर्टिफिकेट लेकिन वहाँ से उसका सर्टिफिकेट गायब करवा दिया और मेरे को ओरिजिनल सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला जबकि मैंने कई बार आपने मांगा हाँ कई बार मैं राजस्थान की जो फेडरेशन है उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ आ जाएगा अभी तक नहीं मिला। तो ये जो खेल था सातवें से पहले पहुँचने का क्या लगता है कि खेल पैसे के लिए लेन का होगा या कोई प्रभाव का रहा होने लगता है? और क्या है कि आज इतना ये गेम जिस तरीके से ग्रोथ कर सकता है जैसे ऊपर बढ़ा सकता है जैसे क्रिकेट के समान आ सकता है आज ये क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है वैसे स्केटिंग भी बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर बहुत अच्छे फैमिली के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छा गेम है जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है हर बच्चे के साथ में पेरेंट्स आगे इन्वॉल्व होता है हर पेरेंट्स आता है वहाँ पर और वहाँ पर आके देखता है ये ऊपर जा सकता है लेकिन इन लोगों ने इस गेम को दबा रखा है इसको जिससे आज भी बताते हैं कि और को छोड़ दो ठीक है आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में किसी भी बच्चे से आप ये पूछना आप जानते हैं इंडिया के अंदर कौन सबसे फास्टर स्केटर है या कौन सबसे बड़ा चैंपियन है वो भी बच्चा कर रहा है उसका कारण क्या है कि तो आज अगर जिस गेम में खेल के बच्चा है उस गेम के अंदर टॉप पे कौन है
उसको जब बच्चे उसी गेम का बच्चा नहीं पहचान पा रहा है तो दूसरे को पहचान। और फिर उसके बाद में अभी जैसे मैं वापस ठीक है आई सी सी टीम डेवलप होती है तो मेरे पहले भी अटेंड कराया था उस समय भी मैंने कॉल किया था कि अब आई सी स्केटिंग में नहीं जाऊँगा। तो अभी मैंने आई सी स्केटिंग में वापस मैंने कैंप अटेंड कराया डॉक्टर को तो वो जिस तरीके से कर रही है मुझे भी लगा। सर ने भी बताया कि आपने गलती करी उस समय से अगर रेगुलर आ सब होती तो ये आज कहीं और गए होते। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं आरएसएफआई के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कोचेस को बैन करता है खिलाड़ियों को बैन करता है और पुरस्कार देने में आगे पीछे करता है तो कोई सुनवाई क्यों नहीं करता सरकार एजेंसियां होता क्या है? ये मेरी समझ में पता चल रहा है कि इनके खिलाफ इतना सारा सबूत है सब कुछ हो रहा है हर व्यक्ति बोल रहा है आज किसी भी जगह आप चले जाएं लोगों से पेरेंट्स से बच्चों से किसी से भी पूछे सब जने यही कहेंगे तो फिर उसके इसका आगे जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है तो हम खुद को क्या अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे खेल मंत्री से क्या अपील करेंगे? खेल मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जी से अपील करना चाहेंगे क्योंकि हमें पता है कि आज उनके आने के उनके सरकार के आने के बाद में जिस तरीके से ऊपर आया है तो हमारे इस स्पोर्ट्स के लिए भी ध्यान दें और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कहाँ गलती हो रही है उसको ठीक करते हुए इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें तो इनके जो भी है सारी प्रॉब्लम्स उसको खुलवाएं। अब एक सवाल है जैसे आपके बच्चे ने तीसरा हिस्से है उनके हिसाब से तीसरा मेडल आपके हिसाब से पहला नहीं मेडल मिला सर्टिफिकेट हुआ सर्टिफिकेट की फोटो आई सर्टिफिकेट नहीं आया तो बच्चे को कोई फायदा उसको मिल रहा है? हाँ अब जैसे एक बात इससे ये भी मैं करना चाहता हूँ कि अभी जैसे अभी वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हो रहा था रूरल गेम्स का तो वहाँ पे बहुत सब तरफ बोला गया था कि ये फर्जी टूर्नामेंट है ये हुआ है ठीक है तो अभी जो आर एस एफ आई है उसको राजस्थान के अंदर भी स्पोर्ट्स काउंसिल में मान्यता है वहाँ फर्जी है तो अगर वो वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल में मान्यता नहीं है तो जिस वो स्पोर्ट्स काउंसिल में मान्यता नहीं है तो वो एसोसिएशन कैसे बोल सकती है कि दूसरी एसोसिएशन में फर्जी है जबकि एक तरह से देखा जाए तो वो एक फर्जी संस्थान दूसरे को कैसे फर्जी बोल सकता है अगर बात फर्जी स्पोर्ट्स काउंसिल में नहीं है अगर स्पोर्ट्स काउंसिल में होता है तो बच्चों को बेनिफिट भी मिलता तो राज्य सरकार कोई कार्रवाई अभी राजस्थान के अंदर है नहीं आप जो आपके खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं आरएसएफआई में जो सर्टिफिकेट पा रहे हैं राजस्थान के खिलाड़ी को तो नौकरी कहीं नहीं मिलता नहीं मिलता उसके पीछे इनका रजिस्टर ना होगा क्योंकि कहीं रजिस्टर है कहीं रजिस्टर नहीं है अभी जैसे दूसरी जगह है अभी राजस्थान के अंदर खेल एक नहीं आरएसएफआई क्या कई राज्यों में आरएसएफआई में खिलाड़ियों को कहीं नौकरी या कुछ मिल रहा है? मैंने तो अभी तक कहीं देखा नहीं है मैंने तो नहीं देखा बाकी हरियाणा में मैंने सुना है कि हरियाणा में मिली है और हरियाणा में और पंजाब में मिली है उसके अलावा मैंने तो अभी तक नहीं सुना उनके लोगों के अलावा तो मैंने नहीं सुना कि वगैरह मिली है। तो अगर हजगंज में मैं इतने सालों से वहाँ पर करा रहा हूँ आज मैंने जिस स्कूल के अंदर स्केटिंग शुरू करी थी उदयपुर के अंदर 24 साल तक मैंने उस स्कूल के अंदर नौकरी करी 24 साल नौकरी करने के बाद में भी उन्हीं लोगों ने मैंने उस स्कूल वालों को ऐसा भड़काया है कि उन स्कूल वालों ने भी मेरे साथ में जिस तरीके से करा तो मेरे को विवश होकर उस स्कूल को छोड़ना पड़ा जहाँ से मैं सैलरी भी पाता था और शाम की क्लास भी वहीं पर लेता था और आज उन जगह मेरे को छोड़नी पड़ी जो क्योंकि उन्होंने उनको इस तरीके से कर दिया तो उन्होंने 24 साल से जबकि उनको ये होना चाहिए था 24 साल से जो बंदा है उसकी तरफ देखते हैं इनकी तरफ नहीं देखते लेकिन नए उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने मेरे को किनारे कर ये जो अभी तक की दास्तान है अगर एक लफ्ज में पूछूंगा तो क्या आरएसएफआई ने धोखा दिया अन्याय दिया या फिर पूरा का पूरा एक खेल ही चला हुआ है आरएसएफआई? मैं तो बस खेल ही चला हुआ दिखता है क्योंकि मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इतने सालों से जुड़ने के बाद में भी मेरे को आज तक कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि होना चाहिए कुछ अच्छा हो। आज जैसे आज की तारीख में मैं बताऊँ आपको जैसे क्रिकेट है बीसीसीआई वो उन्होंने शुरुआत कैसे करी हुई ठीक है आज की तारीख में ये है कि वहाँ पे जो भी खेलता है ना बच्चा तो अब गवर्नमेंट ने तो अब लिया है उससे पहले ही वो बच्चों को बहुत सारा दे सकते
तो आज अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी बात करें तो इन्होंने ये भी 350 रुपये पर स्टूडेंट का एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन का लेते हैं। यानी कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट भी खेलनी है तो आपको सीधे RSFA जो इंडिया की कोटी है उसको देना पड़ेगा, 350 रुपये जमा कराने पड़ेंगे पहले रजिस्ट्रेशन का पूरे इंडिया में। अब आप सोचो हर साल होता है, हाँ हर साल, तो हर साल आपको 350 रुपये रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप सोचो हिंदुस्तान के अंदर कितने बच्चे होंगे जो खेल रहे हैं। मुझे देते क्या है जो मेरे आइडिया से है लगभग लाखों बच्चे होंगे देते देते क्या है। कोई मैं अब आपको बता सकता हूँ लाखों से ऊपर होंगे बच्चे जो 350 रुपये दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जब कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट की फीस भी देता है, स्टेट की फीस भी देता है और नेशनल की फीस भी देता है, तब जाके वो जाता है। तो इन सब दरमियान कितना पैसा इन लोगों को बन जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो वो चलो छोड़ो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चा आ रहा है उस बच्चे को तो इनको कुछ देना चाहिए। अगर इसी स्पोर्ट्स में है तो जो नेशनल में जो बच्चे जीता है उन बच्चों को अगर ये कुछ देना शुरू करे तो वो पैसा जो आ रहा है वो आपने पैसा बताया वो जो पैसा आ रहा है वो पैसा भी पता नहीं रहा। तो RSFI की पूरे खेल के पीछे है कौन, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? जिम्मेदार तो जो बैठे हुए वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को होना चाहिए। अगर उन लोगों की बात करते हैं जैसे आज सेक्रेटरी साहब बैठे, ठीक है, तो वो सेक्रेटरी साहब आज से थोड़ा कुछ समय पहले चले जाओ आप दवाई, क्या दवाई, दवाई और आज क्या है, ठीक है, तो वहां से आपको बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, मंजीत जी हैं जो RSFI के ऑफिस बेयरर रह चुके हैं और ऑफिस बेयरर के साथ साथ इन्होंने पूरा दौर देखा। अगर हम उस दौर की बात करें तो RSFI ले रहा है, पैसे ले रहा है भर्ती के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, खेल के नाम पर, और सबसे बड़ी चीज जो छीन रहा है, ले रहा है, वो है कोचेज और खिलाड़ियों के भविष्य। उनकी उस उम्मीद को जहां एक धमकी कि अगर RSFI के अलावा कहीं खेला तो बैन हो जाएगा, ये बैन करने के खेल को फेडरेशन कब तक खेलेगा, कितने लोगों के साथ खेलेगा, यह भारत सरकार तय करेगी। अगर भारत सरकार का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओलंपिक संघ और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी कमान संभालने वाले PMO KMOS जितेंद्र सिंह साहब इस पर सोचेंगे तो हो सकता है कि RSFI खुद बैन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो RSFI के बैन होते ही शायद इस स्टेट की दुनिया से जुड़े हुए कई खिलाड़ी और कोचेज आजादी से छलांग लगाएंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा स्केटिंग के पीछे। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की बोल दिल्ली तक। लाइक कमेंट और शेयर इसलिए करें कि क्या RSFI जो इन लोगों के साथ कर रहा है वो सही है या गलत है, क्या RSFI को बैन होना चाहिए या RSFI का या बैन वाला खेल चलता रहना चाहिए।